हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो ये आज का मैचेस है स्क्रिम्स का, जिसमें आपको टीम सोल का बेस्ट फाइट बेस्ट क्लच आपको देखने को मिलने वाला है। सो वो मैच आप आगे देख सकते हो। दिया था अब बिल्कुल ऐसे में यहाँ पर जो है जायज है कि आप अपनी जो पोजीशन है वो चेंज कर ले, क्योंकि बार बार जो है एक ही ड्रॉप पर जाके आप जो क्लैश अब नहीं कर सकते। बट देखते देखते अगर बात करी जाए फियर्स आएंगे, लेकिन फियर्स को एंट्रेंस नहीं करने दी जाएगी। हेक्टर यहाँ पर स्पॉट आउट करके वैस वाले से यहाँ पर टेक डाउन करते नजर आएंगे, लेकिन बैक टू बैक राइवलरी के जो नोवा किंग है उनको भी कर दिया जाएगा टेक डाउन। इस समय सोल ऑन टू द रोल, यहाँ पर बोला जा सकता है एक डायरेक्ट रश इन करना चाहते हैं। लेट्स सी कितना ज्यादा बेहतरीन वैल्यू, कितनी ज्यादा बेहतरीन इम्पैक्ट ऐसे में यहाँ पर जो है डाल पाएंगे। बड़ी सी विषय अगर हम बात करें तो वो पिक ऑफ जो थे वो हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर बैक टू बैक दे रहे थे, और आप देखिए उन्होंने डाउन यहाँ पर किया जरूर था। गॉड लाइक है इस पावर वहां पर मौजूद थे, उन्होंने स्पॉट आउट करा बीच तब, यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो करना जरूर चाहेंगे, लेकिन टीम सोल फाइनली वो इसका मतलब एक बार फिर से कमिटमेंट करती हुई नजर आ जाने वाली। और इस बार यहाँ पर टीम राइवलरी के जो प्लेयर्स को सप्रेस करने की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। बिल्कुल जी, ये एक फाइट है इस टीम सोल को अपने खेमे में डालनी थी। वो पिकार्डो कॉन्करर काफी दिनों से हमें देखने को मिलता हुआ नजर से नहीं आया था, लेकिन अब आई गेस वो देखने को मिलेगा जरूर। एक्टर वो फाइनली आ चुके हैं, बैक टू बैक प्लेयर जो थे वो पिक ऑफ होंगे। हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर वो भी फाइट लेते नजर से आ जरूर है। मीनवाइल 60S के प्लेयर को मैंने अभी के लिए डाउन होते नजर से जरूर देखा था, एक्सप्लिसिट को खत्म करेंगे इस ब्लैक का। ये नेट कनेक्शन आई डोंट थिंक सो अभी के लिए बनाएगा, प्रॉपर इंटेल जो है वो हेक्टर के पास रहने नहीं वाला, लेकिन एक स्मोक करके अगर नेट करते तो वो कुछ काफी अच्छी चीज हो सकती थी। काफी ज्यादा ओपन में अगर अपने आप को बॉडी रिवील आउट करेंगे तो ऑफकोर्स प्लेयर्स वहां पर खड़े हैं आपको शॉट देने के लिए, लेकिन आप देखिए प्रॉपर कंफाइन कर दिए एक ही बिल्डिंग के अंदर। ब्रीथिंग स्पेस उनसे छीनने की तय जो एक कोशिश थी वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और मोलोटॉफ कनेक्शन बनाएगा नियो। आई गेस वो चीज मोलोटॉफ से खत्म होते हैं, वो स्लेयर का मोलोटॉफ था जरूर, पुश जो था वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है फाइनली फ्रॉम द टीम सोल यहाँ पर। हालांकि फाइट जो है वो बैक आई गेस 3v3 पे ही जाती नजर से जरूर आ चुकी है। डार्क लॉर्ड वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी मोलोटॉफ लेके बैठे हैं फाइनली लेके एंट्री स्विच करेंगे, लेकिन एंटिटी के नूब फ्रॉम द टीम सोल वो नेट फाइनली कनेक्शन बनाया, स्लेयर भी डाउन हो गया विद द मोलोटॉफ एज वेल। तो दिस वाज ब्रिलियंट पीस ऑफ गेम प्ले जो था देखने में मिला, एंड फाइनली टीम सोल उस चीज पर। लेट्स सी कि यहां से उनके आगे का मुकाबला किस तरह से रहेगा, क्या है फिलहाल मोलो करते हुए नजर आ रहे थे, बट अब कहीं ना कहीं दिक्कतें इनके लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड बियर्ड बाबा को भी आप देख सकते हैं, बियर्ड बाबा भी एक काफी अच्छे होल्ड के साथ देखने में पर फिलहाल एक मोनोटोवेन ग्रेनेड थ्रो किया जा चुका है नेक्सस की तरफ से, एंड नेक्सस ना विक्टर वालियर। एंड साथ ही आप देखिए नेक्सस अब काफी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नाउ हियर इज द एक केमिस्ट्री रिवॉर्ड इज ऑसम प्लेयर नेक्सस, एंड एक प्लेयर को स्पॉट किया डाउन करने का काफी ऑसम प्लेयर है, एंड फिलहाल नेक्सस काफी तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं। एंड इस अभी भी आप देखिए थ्रोविल्स काफी ज्यादा है इनके पास, थ्रोविल्स बैक टू बैक अपनी तरफ से करते चले जा रहे हैं, कहीं स्मोक्स कहीं ग्रेनेड कहीं मोलोटोव, एंड सो वी कैन नॉट से नेक्सस कहीं ना कहीं थ्रोविल्स का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं इगल। वेल ऑफकोर्स वहाँ पे थ्रोएबल्स का काफी बेहतर इस्तेमाल हमें यहाँ पे जरूर से देखने को मिल रहा है, बट क्या लगेगा, क्या यहाँ पे टीम सोल कमबैक कर सकती है। नेक्सस एक के बाद एक प्लेयर्स को टेक डाउन करेंगे, बट वहीं पे ओमेगा कार्ड कंक्लूजन ब्लो आएगा, एंड फाइनली अच्छे से स्पॉट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं करना चाहेंगे इस मोमेंट। अगर आप RVLY के प्लेयर्स की बात करते नो बाकी प्लेयर डाउन, एंड नो लव नाउ द लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग इन दिस टीम, एंड नो लव के ऊपर अब टीम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, एंड जो कि देखने वाली बात होगी वो किस स्ट्रेटेजी के थ्रू इस सिचुएशन को मैनेज करने वाले हैं। वेल अगर आप बात करते टीम सोल भी काफी ज्यादा क्रोध है, टीम सोल ने सिक्योर के लिए बीच से गुड स्टार्ट, बट ये लीजिए वहां पे हेक्टर होंगे परेशान क्योंकि उनको कर दिया गया है नॉक। पीछे से ओमेगा का एक सपोर्ट जरूर से आएगा, बट देखते देखते नियो भी नॉक हो चुके हैं। नाउ ओमेगा इज दैट सोलो प्लेयर स्टैंडिंग फॉर हिज टीम, क्या लगता है क्या टीम सोल यहां से वो फिनिशर्स पॉइंट निकाल के सरवाइव कर पाएगी। बट पीछे से उनको डैमेज पड़ रहा है, एंड यहां पर एक भी अल्ट्रॉन ने यहां पर फिनिश ऑफ कर दिया उनको। पर देखते देखते चीजें बदल रही है क्योंकि 8-bit जूसी 7C के मैन 8-bit की टीम यहाँ पे तैयार है टीम सोल। ये नजर अभी 8-bit के ऊपर रहने वाली है, सर्कल के अंदर एंट्री लेने से पहले सर्कल के बाहर के टीम्स को परेशान करेंगे, बट नियो का एक्सप्रेस जाता हुआ अल्ट्रॉन गोज डाउन, 8-bit के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। टीम सोल ज्यादा ओवर कमिटमेंट यहाँ पे दिखा नहीं सकते, बहुत सोच समझ के आगे लेना पड़ेगा। हेक्टर अल्ट्रॉन को फिनिश ऑफ करेंगे एज 8-bit गोज डाउन टू 3 एंड नाउ।
तो कैसे लगा आपको टीम सोल का आज का मैच, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो के बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।